बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं शाहब इस्लाम और आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ट्रायल बैलेंस विथ ऑटो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन एक्सेल। तो ऑटो कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ट्रायल बैलेंस शीट के अंदर से किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, कौन से फार्मूलों की मदद से, तो ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। डाटा मैंने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है और इसके अंदर कॉलम मैं दिखा देता हूँ आपको। पर्टिकुलर्स हैं उसमें, सेल्स, परचेज, ट्रेड एक्सपेंस, स्टाफ कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, कैटेगरी इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, और उसके बाद डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट एंटर किया हुआ है इसका। इसमें हमें कैलकुलेट करना है बैलेंस, क्रेडिट, डेबिट, और फिर यहाँ अलग से एक टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर जो होगा वो कैलकुलेशन देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा है हमारा, और उसके बाद एसेट्स विस लाइबिलिटीज़ की जो कैलकुलेशन है वो अलग टेबल के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले जो यहाँ पर क्रेडिट या डेबिट कैटेगरी है, इसके लिए हम यहाँ पर मैंने एक अलग से नाम लिख लिए हैं, इनकम क्रेडिट, एसेट डेबिट, एक्सपेंस डेबिट और लाइबिलिटीज़ क्रेडिट। तो यहाँ ये हमें प्रिंट करना है और फिर जो बैलेंस का फार्मूला हम लगाएंगे वो इस कॉलम से डेबिट एंड क्रेडिट देखते हुए यहाँ पर अमाउंट बैलेंस हमें बताएगा और फिर उसके बाद लास्ट में टोटल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगा देंगे इक्वल वी लुकअप और लुकअप वैल्यू इनकम फर्स्ट सेल जो आ रहा है इसको क्लिक करेंगे। B4 इसका सेल एड्रेस है, नॉर्मल रहेगा ये सेल। कॉमा लगाएंगे टेबल एरे, यहाँ से इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। F4 कर देंगे वन टाइम, क्योंकि यहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे हैं टेबल एरे, तो ड्रैग करेंगे प्रॉब्लम नहीं हो, फिक्स कर देंगे F4, क्योंकि यहाँ से ये सीक्वेंस आ रही है और यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर रहे हैं, तो F4 एब्सोल्यूट कर देंगे इसको। कॉमा कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स अब यहाँ जो है हमें डेबिट एंड क्रेडिट प्रिंट कराना है सेल में, तो यहाँ सेकेंड कॉलम है, फर्स्ट इनकम नेम लिखे हुए और क्रेडिट डेबिट जो है वो सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉलम 2 कॉमा फॉल्स, डाउन एरो से फॉल्स और टैप प्रेस करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा। एग्जिट मैच ब्रैकेट क्लोज एंटर, सेल के लास्ट में आ जाएंगे, ड्रैग मोड कर्सर से इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। उसके बाद बैलेंस, बैलेंस के लिए इक्वल इफ फर्स्ट क्रेडिट एंड डेबिट सेल, F4 कॉलम और रो एड्रेस आ रहा है इसका, बराबर है अगर ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे क्रेडिट, शॉर्ट लिखा है CR, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो क्रेडिट फर्स्ट सेल सिलेक्ट माइनस डेबिट, ये हमने वैल्यू इफ ट्रू कंडीशन दे दी। फिर कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स में अगर क्रेडिट यहाँ होगा तो क्रेडिट माइनस होगा डेबिट, पहली कंडीशन ट्रू ये आ जाएगी। फिर कॉमा के बाद अगर ऐसा नहीं है तो फिर डेबिट माइनस क्रेडिट, तो यहाँ इस तरह से बैलेंस दिखाएगा हमें। ब्रैकेट कर देंगे क्लोज एंटर, सेल पे आ जाएंगे, सेल के लास्ट में आ जाएंगे ट्रैक, और लास्ट में इनका टोटल करना है। यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, बॉर्डर में जाएंगे, बॉटम बॉर्डर या यहाँ पे ये वाला बॉटम डबल बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, बाकी हेडिंग्स सिलेक्ट, यहाँ पर सम लगा देंगे टोटल, ऑल कॉलम डेबिट सिलेक्ट, और राइट साइड सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल आर, जो फार्मूला राइट साइड फिल करना है सिलेक्ट के बाद कंट्रोल आर करते हैं हम, और यहाँ से मैं इसको कॉमा क्लिक कर रहा हूँ। डेबिट और क्रेडिट अमाउंट जो आ रहा है इसको भी सिलेक्ट करेंगे कॉमा, और यहाँ पर इक्वल इसको माइनस कर देंगे क्रेडिट एंटर, तो ज़ीरो वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ कैलकुलेशन देखनी है प्रॉफिट एंड लॉस की, इसके लिए टेबल बनाएंगे हम अलग, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ब्रैकेट क्लोज,
इसको कर देते हैं, कॉलम थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ से इसको मर्ज करेंगे। यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, और यहाँ पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट, लॉस। और उसके बाद सेकेंड एक टेबल बनाएंगे, इसके अंदर एसेट्स, विथ लायबिलिटीज, एसेट्स विथ लायबिलिटीज, मर्ज एंड सेंटर कर दिया इसको। अब उसके बाद यहाँ पर फार्मूला आ जाएगा टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज, और लास्ट में नेट प्रॉफिट। सबसे पहले यहां पर आ जाएगा इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन ऑल कैटेगरी सिलेक्ट, F4 कर देंगे इसको, और कॉमा लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा, क्राइटेरिया इनकम, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, और उसके बाद ऑल क्रेडिट सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ, इसको भी F4 करना है, या F4 अगर नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ड्रैग करेंगे तो उसमें क्राइटेरिया में फिर चेंज करना पड़ेगा। तो इसका जो F4 किया है ये हटा देता हूँ मैं फर्स्ट वाला, और यहाँ तक ये फार्मूला हो गया। पहले हमने सिलेक्ट कैटेगरी करी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इनकम, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, उसके बाद क्रेडिट ऑल सिलेक्ट। अब इसको मैं कर रहा हूँ सम इफ्स तक सिलेक्ट कंट्रोल सी कॉपी, इक्वल सिलेक्ट नहीं करेंगे, ब्रैकेट के बाद माइनस कंट्रोल वी। सेकंड जो माइनस करना है सेम सारी चीज़ें वही रहेंगी। अब फर्स्ट हमने यहाँ पर क्रेडिट सिलेक्ट किया था, तो यहाँ जो हमने माइनस करना है वो करना है डेबिट। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे ऑल कॉलम डेबिट, बस ये चेंजेस करनी है इसके अंदर, एंटर कर लें। और यहाँ से पूरा इसको डबल क्लिक फार्मूला बार में कर रहा हूँ कंट्रोल सी कॉपी, टोटल एक्सपेंस में आ जाएंगे कंट्रोल वी पेस्ट। अब यहाँ हमें एक चेंजेस ये करनी है, जो हमने टोटल एक्सपेंस में कॉपी किया है इनकम से और पेस्ट किया है एक्सपेंस में, तो एक्सपेंस में हमें आकर ये चेंजेस करनी है। सेल यहाँ मेरा एक्सपेंस क्लिक है, और फार्मूला बार में जाएंगे क्लिक, यहाँ जो क्राइटेरिया है वो एक्सपेंस आ जाएगा दोनों में, और यहाँ पे भी एक्सपेंस हेडिंग आ जाएगी। और जो फर्स्ट हमने यहाँ पर क्रेडिट सिलेक्ट किया था इनकम में, तो यहाँ पर हमें पहले सिलेक्ट करना है डेबिट, ये चेंजेस करनी है, ऑल सिलेक्ट डेबिट, और फिर उसके बाद जहाँ पर हमने डेबिट सिलेक्ट किया था उधर एंड में हम सिलेक्ट करेंगे ऑल क्रेडिट, ये चेंजेस करेंगे एंटर। तो टोटल जो एक्सपेंस है वो आ जाएंगे नेट प्रॉफिट के लिए इक्वल टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, एंटर। अब एसेट विस लायबिलिटीज़ के लिए फार्मूला लगाएंगे इक्वल, वही फार्मूला कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट कर लें, लिखना है तो लिख कर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह से कैटेगरीज आ जाएंगी, ऑल कॉलम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर आ जाएगा एसेट्स, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम ऑल पहले डेबिट कॉलम, ब्रैकेट क्लोज, और इसको यहाँ से इतना लिखने के बाद कॉपी कर रहा हूँ मैं सिलेक्ट सम इफ तक कंट्रोल सी माइनस कंट्रोल वी पेस्ट। और यहाँ पर जो लास्ट में डेबिट सिलेक्ट हुआ है इधर हम सिलेक्ट कर लेंगे क्रेडिट, हेडिंग दोनों में एसेट्स ही रहेगी, एंटर कर लेते हैं यहाँ पर।
टोटल एसेट्स। अच्छा, ज़ीरो किस वजह से आ रहा है? स्पेलिंग में मिस्टेक करी है, क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग ASSETS है और यहाँ मैंने कर दिया ASSTES। तो स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि फार्मूला में कोई भी मिस्टेक होगी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा या एक अल्फ़ाबेट की भी, तो उसमें आंसर नहीं आएगा आपका, आंसर रिटर्न में ज़ीरो देगा आपको। आप इंटर करके देखते हैं, बिल्कुल सही है। और टोटल लाइबिलिटीज़ के लिए दोबारा से इक्वल सम इफ ऑल कॉलम कैटेगरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लाइबिलिटीज, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, उसके बाद ऑल क्रेडिट सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज। ये भी इतना लिखने के बाद कॉपी कर लेंगे यहाँ से, पहले क्लिक करें फार्मूला बार में, फिर शिफ्ट राइट लेफ्ट एरो से सम इफ तक सिलेक्ट कंट्रोल सी, और यहाँ क्लिक माउस से अनसेलेक्ट माइनस का साइन पिन कंट्रोल वी, और यहाँ पर जहाँ क्रेडिट सिलेक्ट है एंड में, इसको हम डेबिट सिलेक्ट कर लेंगे कॉलम, ऑल सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। भी इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, माइनस टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज, और डिफरेंस देखने के लिए इक्वल नेट प्रॉफिट माइनस लॉस। यहाँ पर इसका फॉर्मेट ज़ीरो इक्वल जो आ रहा है, इसको कॉमा क्लिक करेंगे तो माइनस शो होगा, क्योंकि प्रिंट आउट में ज़ीरो शो नहीं करते हैं। तो इस तरह इसका फॉर्मेट यहाँ कॉमा क्लिक करके चेंज कर लेंगे। बाकी जो अमाउंट आ रहा है, इसको भी अगर फॉर्मेट आप रुपीस इस तरह रखना चाह रहे हैं कॉमा, तो ये फॉर्मेटिंग कंट्रोल के साथ क्लिक कर रहा हूँ मैं, इन सभी हेडिंग्स को यहाँ से बोल्ड कर रहा हूँ। तो जो भी यहाँ वैल्यू एंटर होती रहेगी डेबिट क्रेडिट में, उसका बैलेंस और यहाँ पर उसकी ऑटो कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस की आपको पता चलती रहेगी। तो ये था आज की क्लास का टॉपिक मेरा, आज की इस वीडियो का, ट्रायल बैलेंस विद ऑटो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्रैक्टिस करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सोशल मीडिया के ऊपर इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर फर्स्ट आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।